वेलकम एवरीवन। आज हम सेकंड और थर्ड डे स्टार्ट करेंगे अपने नंबर सिस्टम का ही। तो लेट्स सी पास्ट ईयर के क्या क्या क्वेश्चन है ना। बस आपको साथ बनाए रखना है, आपकी सारी तैयारी यहीं हो जाएगी, है ना। हाउ मेनी इवन इंटीजर्स फ्रॉम 100 to 200 आर डिविजिबल नीदर बाय 7 नोर बाय 9। हाउ मेनी इवन, तो पहले तो इवन देखने हैं, है ना। ऐसे ऐसे करके इवन है, नीदर डिविजिबल बाय 7 नोर बाय 9। 7 से भी डिविजिबल नहीं होने चाहिए, 9 से भी होनी चाहिए। अब इसमें से देखो, इवन नंबर्स जो 7 से डिविजिबल है वो सारे नोट कर लो। जैसे देखो इसमें कितना टाइम लगेगा, आप कोई भी स्ट्रेटेजी कुछ फॉलो मत करो। आपको ये पता है 100 से लेके 102, ऐसे ऐसे करके 200 तक इवन नंबर्स काउंट करो। ये एपी बन रही है, ये तो निकल ही जाएंगे, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, देखो 7 से जो डिविजिबल है और जो इवन भी है ना, क्योंकि अपने इवन इवन में से अब ये इसका ही खेल रह गया है ना। तो देखो क्या क्या डिविजिबल हो सकते हैं। पहले आप देखो 70, 28, 98, है ना। 98 के बाद 105, 112, 112, 119, 119 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ओड है। अब इसमें 14 ऐड करना है, हमें पता लग गया ना। 14 ऐड कर लिया, फिर 14 ऐड कर लिया, फिर 14 ऐड कर लिया, फिर एक बार फिर 14 ऐड कर लिया, फिर 14 ऐड कर लिया, एंड फिर 14 ऐड कर लिया, कर लिया। उसके बाद 9 वाले भी देखो, 9 वाले भी लिख लो, है ना। 9 वाले लिखो, जैसे 1999, फिर 108, फिर 18 जोड़ दो इसमें। इसमें 18 जुड़ेगा तो 126, फिर 18 जुड़ेगा तो 144, फिर 18 जुड़ेगा तो 162, फिर 180, फिर 198। अब इन टोटल नंबर देख लो कितने हैं ये, है ना। पर इसमें कुछ कॉमन आएंगे, देखो 126 कॉमन है, तो एक काट दिया, एक तो काउंट कर लेंगे। और क्या कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर्स ये हो गए। टोटल में से माइनस करेंगे, टोटल शायद 51 आएंगे, तो आंसर 39 या ऐसा कुछ आएगा, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। एक बार हम देख ही लेते हैं ना, तो 51 नंबर होंगे, 51, 39 आंसर होगा, है ना। तो ये ऐसे करना है, ऐसे आप अब कोई भी फॉर्मूला मत याद करो, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर किसी भी टाइप का दे सकता है ना। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन द रेंज 12 to 40, एन 12 to 40 है, सच दैट द प्रोडक्ट इज नॉट डिविजिबल बाय एन, सच दैट द प्रोडक्ट इज नॉट डिविजिबल बाय एन। ठीक है, एन को अगर मैं मान लो 12 लेता हूं, अब देखो इसमें ना कुछ कुछ तो होगा ऐसा, ये एन तक नहीं जा रहा है, एन माइनस वन तक जा रहा है। तो मान लो 13 लूंगा, 1 से लेके 12 तक जाएगा डिवाइडेड बाय 13, तो ये कभी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि नीचे प्राइम नंबर है। तो बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग कि 12 टू 40 से लेके जितने भी प्राइम है वो बता दो, 13, 17, 19, क्योंकि n माइनस वन है ना। n होता तो प्राइम से डिविजिबल हो जाता। अब वो 18 तक जाएगा 19 वाला, तो 1 into 18, 18 फैक्टोरियल बाय 19, हमेशा आपको पता है रिमाइंडर इसमें जीरो आएगा नहीं, है ना। अब 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, बस 1 2 3 4 5 6 7, 7 वुड बी द आंसर। ये क्वेश्चंस ऐसे अब नहीं आते, ये वाला हम देख लेते हैं, इसके अप्रोच बता देता हूँ, ऐसा नहीं आता अब। जनरली बहुत स्पेसिफिक से क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो द एस एक सेट है, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ एस सेटिस्फाई, ठीक है। 1000 से 1200 तक है, पहले तो ये बात देख लो, है ना। 1000 से 1200 तक है। एवरी डिजिट ऑफ एन इज ओड, एवरी डिजिट इज ओड, तो पहली तो एक ही होगी, ये तो मैं फिक्स है, ये तो फिक्स है, तो इसमें तो वन ही चांस बनेगा, है ना। यहाँ पे कितनी डिजिट्स आ सकती हैं बताओ आप। जीरो नहीं आ सकता, वन आ सकता है, टू नहीं आ सकता, थ्री आ सकता है, नहीं, क्योंकि हमारी रेंज ये है ना। तो यहाँ पे सिर्फ वन ही आएगा, ये भी फिक्स हो गई, तो इसका भी एक ही चॉइस है। अब यहाँ पे कितनी आ सकती है, फाइव, मतलब कोई भी डिजिट आ सकती है ना, तो यहाँ पे कोई भी डिजिट आ सकती है, ओड फाइव डिजिट्स होती है, तो यहाँ पे फाइव चॉइसेस एंड यहाँ पे फाइव चॉइसेस, ठीक है। तो हमारी 25 चॉइसेस हो गई। अब इसने पूछा हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ एस आर डिविजिबल बाय थ्री, हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ एस आर डिविजिबल बाय थ्री। तो इसमें देखो 25 हमारे टोटल केस हैं, है ना, तो उसको तो एक बार रहने दो।
अब देखो वन प्लस वन कितना हो गया टू, तो इसका सम क्या आना चाहिए, थ्री के प्लस वन फॉर्म का है ना, इसका सम क्या आना चाहिए, थ्री के प्लस वन फॉर्म का। अब आपने क्या करना है, यहां पे पहले मैंने वन ले लिया, यहां पे टू ले लिया, यहां पे थ्री, यहां पे फोर, यहां पे फाइव, सॉरी ऑड ऑड नंबर्स आएंगे ना, वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन है ना। तो यहाँ पे टू है और टू प्लस वन थ्री, तो यहाँ पे भी मल्टीपल आना चाहिए थ्री का, तो यहाँ पे या तो थ्री आएगा, यहाँ पे सिक्स नहीं आ सकता तो यहाँ पे नाइन आएगा, यहाँ पे थ्री प्लस वन प्लस टू फाइव, तो यहाँ पे वन सिक्स, फिर थ्री से बढ़ाओ फोर, फोर से बढ़ाओ सेवन है ना। तो ऐसे ऐसे करके चॉइसेस बनेंगे, आप इसको काउंट कर लेना। जैसे अभी मैं बता ही देता हूँ, फाइव प्लस वन सेवन, सेवन टू नहीं आ सकता तो फाइव आएगा, एंड फाइव प्लस थ्री एट नहीं आ सकता, बस इतना ही आएगा है ना। तो सेवन प्लस टू नाइन, तो यहाँ पे थ्री एंड नाइन। अब यहाँ पे नाइन प्लस वन इलेवन, इलेवन का टू, टू का वन, टू प्लस वन थ्री, फिर फोर नहीं आ सकता सेवन, मतलब टू टू एट प्लस वन नाइन वुड बी द आंसर। द डिजिट्स ऑफ ऑल टू डिजिट मल्टीपल्स ऑफ एट आर रिवर्स, हाउ मेनी ऑफ द रिजल्टिंग नंबर्स वुड बी डिविजिबल बाय फोर। इसमें कुछ भी नहीं करना, देखो कोई अप्रोच नहीं करनी हमें, इसमें कोई अप्रोच नहीं करनी, इसमें सिंपल करेंगे हम। एट के मल्टीपल्स लिख लो, लिख लिए, लिखो ही ऐसे कि उसको रिवर्स में लिखते जाओ। सिक्सटीन को लिखना है, सिक्सटीन मैं ऐसे लिख दूंगा, मैं एक एक टाइम के लिए मैं सोच रहा हूँ मुझे रिवर्स लिखना है, वन सिक्स, उसके बाद सिक्सटीन के बाद ट्वेंटी फोर, टू फोर है ना, ट्वेंटी फोर के बाद थर्टी टू, टू थ्री टू, ऐसे ऐसे लिखना है। उसके बाद ये कंडीशंस देख लेना, जो भी आंसर आएगा वो मार्क कर देना, ठीक है। अब देखो 15 से क्वेश्चंस अच्छे आने लगे थे, 15 से भी नहीं कहूंगा मैं, 18 से क्वेश्चन या 17 से क्वेश्चन अच्छे आने लगे थे, तो हम 16 17 15 16 15 16 को थोड़ा सा कम वेटेज देंगे, 17 18 19 वाले को तो बहुत अच्छा वेटेज देंगे समझने में है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीटली डिवाइड दिस, अब इसको मैं क्या समझ सकता हूं, मान लो ये इवन है, ये इवन पावर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर समझू, या ए एन माइनस बी एन वेर एन इज इवन, तो दैट वुड बी डिविजिबल बाय ए माइनस बी ऑल्सो एंड ए प्लस बी ऑल्सो, तो ये डिविजिबल होगा 106 प्लस 49, दैट इज 155, इट इज इट वुड बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 106 माइनस 49, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 57। अब देखो 57 का यहाँ पे कोई मल्टीपल नहीं है, नहीं है, नहीं, नौ चौका सात, ठीक है, हाँ यहाँ पे कोई मल्टीपल 155 का भी नहीं है ना, तो चलो इस पे तो कोई ना नहीं देखते। अब इसको मैं देखूं, अगर मान लो मैं कोई भी आंसर चॉइस लेता हूँ, मान लो मैंने ये पकड़ा 124, तो 124 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 31, पहले 31 पे चेक करूंगा, 106 90 माइनस 49, 90 बाय 31, ये और ये को प्राइम है, तो इसको यूलर आएगा 30, 30 को पूरा डिविजिबल है, तो इसको लिख सकते हैं 106 की पावर 0 माइनस 49 की पावर 0, क्योंकि ये भी को प्राइम है ना, तो 1 माइनस 1 0, मतलब 31 से तो ये डिविजिबल है नंबर है ना। ये यूलर वाला मैंने आपको नंबर सिस्टम की रिविजन वीडियो पे बता रखा है, वो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। अब फोर से डिविजिबल है या नहीं ये भी देखेंगे, 106 90 माइनस 49 90 है ना, तो इसको फोर से अगर डिविजिबल करेंगे, 100 104 2 की पावर 90 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 की पावर 91 है ना। अब इसको मैं लिख लूंगा 4 की पावर 45 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये तो पूरा डिविजिबल हो गया, ये माइनस 1 मतलब ये डिविजिबल नहीं है, तो हमारी एक आंसर चॉइस तो हो गई कम, इसका हम कह सकते हैं ये फोर से डिविजिबल नहीं है ना, तो ये हमारी आंसर चॉइस गई। अब 186 को ब्रेक करते हैं, 93, ये भी प्राइम नंबर है 93, ये 92 से आएगा रिमाइंडर इसका, माइनस टू, टू से तो ये डिविजिबल है, 589 से देखते हैं क्या बनता है, 22 नहीं, 7 से जाएगा, 7 8 नहीं, 11 नहीं, 13 52
सत्रह पांच 17 दूनी 34 57 17 से भी नहीं जा रहा, 19 से भी नहीं जा रहा। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, रुक जाओ, इसको मैं ये लिख लेता हूँ। तो ये हमेशा डिविजिबल होगा ए माइनस बी से, है ना। तो ए क्या आएगा हमारा 11236, माइनस बी क्या आएगा 2401, है ना, 2401। अब देखते हैं ये 5, ये 3, ये आएगा 3, तो 12 चक्का 8, 10 दूनी 8, 8835 से ये डिविजिबल है। अब कोई ऐसी ऐसी आंसर चॉइस देखो जो इसका मल्टीपल हो, 8835 डिवाइड बाय अगर मैं करूंगा 589, तो ये पूरा डिविजिबल है 589, 8835 से। मतलब अवर आंसर वुड बी, क्योंकि इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 8835 इंटू समथिंग डिवाइडेड बाय 589 करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो मतलब आंसर वुड बी ए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, बस इसमें घबराना नहीं है, प्रोसेस को फॉलो करते चलो बस। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस 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 लीव्स रिमाइंडर दिस दिस दिस। कांस्टेंट डिफरेंस दिख रहा है 1 का, 3 - 2 1, 5 - 4 1, तो आंसर आएगा एलसीएम ऑफ 357, दैट इज 105 के माइनस कांस्टेंट डिफरेंस दैट इज 1, तो 104 वुड बी आंसर। ये 2016 का क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2015 का है तो अच्छा है। तो रीसेंट क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला कंसेप्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।